रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि आयकर विभाग के द्वारा कांग्रेस के खाते सीज किए जाना और आयकर के नोटिस जारी किए जाना सिर्फ बदले की भावना से किया गया काम है, जो कि केंद्र सरकार के इशारे पर विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक बताया है और चुनाव आयोग ने इस पर हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष ने भी भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। अभी आप सब लोगों ने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो आयकर विभाग है, जिसके द्वारा एक अवैधानिक नोटिस कांग्रेस पार्टी को दी गई है और उसके बैंक के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, इसी के जो विरोध में हम सारे कांग्रेस जन यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक माह पहले करीब 135 करोड़ रुपए की वसूली कांग्रेस पार्टी से आयकर विभाग ने किया, किसी तथ्य के उन्होंने जबरन वसूली कर लिया है। और उसके बाद फिर अब लोकसभा का चुनाव आ गया तो अब फिर एक बार 1823 करोड़ रुपए की वसूली की नोटिस कांग्रेस पार्टी को थमा दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसके इशारे पर वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। तो हम सारे कांग्रेस के लोग हैं, कभी किसी से डरे नहीं है, अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों से अगर कोई लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी ही लड़ी है। आज इसी तरह हमारे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, सोनिया गांधी जी लड़ रहे हैं और आदरणीय हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे और हमें आशा है कि हम लोग अपने मंसूबे पर कामयाब होंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद घोटाला किया है। अवैध काम करो, चंदा ले लो, इस तरह काम किया है। और इस पर मीडिया के लोग इसको नहीं दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है इसका। हम ये निश्चित रूप से जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी तो हमारे देश के तमाम शीर्ष नेता हैं, तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग हैं, सब निश्चित रूप से ये लोग जेल जाएंगे और कार्रवाई। अध्यक्ष जी, आज किस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है? आज ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वर्तमान केंद्र सरकार, इसमें जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के उनका घोटाला उजागर हुआ है, उसको तो वो नहीं उजागर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो खाते फ्रीज किए जा रहे हैं और आयकर के द्वारा कांग्रेस पार्टी को नोटिस दी जा रही है, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा चंदा मिला है उनको नोटिस नहीं दी जा सकती है? उनको भी नोटिस दी जा सकती है, उनके भी घोटाले की जांच होनी चाहिए। ये भारतवर्ष में सबसे बड़ा घोटाला है, इसको उजागर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। जिस तरह से ये भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष को बिल्कुल खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं, ये कतई देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।